हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलहरी और आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट, तितली की आँखें रात को क्यों चमकती है? तो ये टेपिटम लूसीडम के कारण चमकती है। नेक्स्ट, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में कोई आंख नहीं होती। नेक्स्ट, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो ये विशिष्ट गुरुत्व की समान होती है। नेक्स्ट, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति बर्ताव या व्यवहार करता है। नेक्स्ट, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक हमेशा बढ़ता है। नेक्स्ट, डूबते व उगते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो वो 5 होगी। नेक्स्ट, कारों ट्रकों व बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये हमेशा उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली ने सरल बना दिया है तो दूरदर्शन प्रसारण को, दूरसंचार को, चक्रवाती चेतावनी को यानी उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट, निम्न में से किस यंत्र द्वारा पनडुब्बी चालक जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देख लेता है? तो ये पेरिस्कोप द्वारा देख लेता है। नेक्स्ट, लेजर के उपयोग से त्रियायामी तस्वीर खींचने की विधि कहलाती है, तो ये विधि होलोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर जो यंत्र होता है उससे द्रव्य का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय अवशिष्ट जोखिम भरे होते हैं क्योंकि वातावरण में इनकी उपस्थिति द्वारा जीवों की कायिक तथा आनुवंशिक क्षति होती है। जीवों की कायिक और आनुवंशिक क्षति होती है। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो जो गैस्ट्रिन होता है ये पाचक एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो जो रेटिनोल है ये बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, इसको विटामिन ए बोलते हैं। नेक्स्ट, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो इससे जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता? तो न्यूट्रॉन कभी भी विक्षेपित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।